अस्सलाम वालेकुम, जैसे से बोलता इकबाल है। अगर आपको टैलेंट देख के वाकई में ऐसा लग रहा है कि स्टारलिंक पाकिस्तान के अंदर बैन हो गई है, तो कैमरे में देख के ज़रा हाथ हिला दें, आपके साथ छोटा सा प्रैंक हो गया। छोटा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक थोड़ा सा बड़ा सा क्लिक बेट था और कुछ भी नहीं था, क्योंकि इस रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी कि पाकिस्तान के अंदर स्टारलिंक बैन हो गया है और फलाना ढिमकाना। तो मैंने सोचा इसके बाद एक छोटी सी वीडियो कर दी जाए। बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई है, मैं आपको स्टारलिंक से पहले वाकिफ़ कर दूँ। अगर आपको स्टारलिंक के बारे में नहीं पता, एलॉन मस्क एक बंदा है जिसने टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशंस किए हैं। इसने वो रॉकेट्स बनाई हैं जो आसमान के ऊपर जाती हैं और वापस ज़मीन में सही सलामत लैंड भी हो जाती हैं। इसने वो गाड़ियाँ बनाई हैं जो खुद ब खुद टेस्ला नाम से गाड़ी आती है, जो खुद ब खुद बगैर ड्राइवर के चलती है। और इसने एक ऐसा बंदर भी बना दिया है जो कंप्यूटर का उसमें चिप लगा दिया उसके दिमाग के अंदर। तो इसने काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। और स्टारलिंक इसका एक प्रोजेक्ट था। इसके अंदर क्या चीज़ है कि उसने बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स, एक नंबर ऑफ अमाउंट है, मतलब तकरीबन 400-500 इसके आसपास सैटेलाइट्स हैं, या हो सकता है ज़्यादा है, मुझे अभी सही से याद नहीं आ रहा। वो दुनिया के जो सबसे लोअर वाले ऑर्बिट जहाँ पे सैटेलाइट रह सकता है उस जगह पर ऐसे बिछा देना चाह रहा है ये बंदा। और उससे होगा क्या कि आप अपने घर पर कोई इतनी बड़ी सी डिश लगा लोगे और उसमें इंटरनेट, आपका वो डिश आपको इंटरनेट आपके घर पर प्रोवाइड करेगा। तो इसमें मतलब कोई आपको टेंशन नहीं होगी कि यार तार ख़राब हो गया, फलाना ख़राब हो गया, इंटरनेट स्लो चल रहा है, ये वो। बिल्कुल आप ऐसा समझ सकते हो जो केबल वाली डिश लगती है आपके पास, सेम उसी तरीके से काम करेगा। और ये काफ़ी बढ़िया इनोवेशन थी। अच्छा, इसकी ना प्री बुकिंग पाकिस्तान के अंदर चल रही है और वो तकरीबन $99 की रिफंडेबल है, मतलब आप उसको रिफ़ंड करवा सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए तो। वो मतलब प्री बुकिंग इसकी चल रही थी। अच्छा, दुनिया के काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर स्टारलिंक पहले से अवेलेबल है, बहुत सारी जगह के ऊपर वर्किंग में, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह जो हमारे साइड की कंट्रीज़ है ना, इनके अंदर अभी अवेलेबल नहीं है। सो एलॉन मस्क, अभी इस बारे में मेरे ख्याल से कुछ न्यूज़ भी आई थी कि स्टारलिंक पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द आ रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इनोवेशन वगैरह यहाँ पे चल रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आवाम ना काफ़ी ज़्यादा स्टारलिंक के ऊपर इन्वेस्ट कर रही थी। मतलब पीटीआई ने देखा कि यार आवाम प्री बुकिंग करवा रही है, और मैंने खुद कुछ लोगों को ऐसा देखा जिन्होंने कहा कि हमने भाई प्री बुकिंग करवा दी है स्टारलिंक की। लेकिन सीन क्या हुआ है, पीटीआई ने कहा है कि जब तक कि हम स्टारलिंक को लाइसेंस नहीं देंगे तब तक स्टारलिंक हमारे पास सर्विसेज स्टार्ट नहीं कर सकते। एक मानने वाली बात है, टैक्सीशन वाला सारा एक मामला है, इस कंपनी को रजिस्टर करवाना पाकिस्तान के अंदर, एंड सारी चीज़ें लाइसेंस वगैरह खरीदना उसका प्रॉपर। तो ये एक सीन था जो कि स्टारलिंक ने पाकिस्तान के अंदर अभी तक नहीं किया है, और इस वजह से पीटीए ने जस्ट वॉर्न किया है कि आप उस वक्त तक नहीं खरीदो जब तक हम इनको लाइसेंस ना दे दें, क्योंकि हो सकता है कि हम फ्यूचर में इनको लाइसेंस ही ना दें, हम बोलेंगे भाई आप यहाँ पर लगा ही नहीं सकते, तो वो मेरे ख्याल से, वो पीटीए के ख्याल से आपके पैसे ज़ाया भी हो सकता है। सो पीटीए का कहना का मकसद ये था, और पीटीए यार अभी समझ में नहीं आ रहा कि पैसों के पीछे इतनी ज़्यादा क्यों भाग रही है। मोबाइल के ऊपर पीटीए टैक्स बढ़ गए, आपके जितने भी फ़ोन्स अब जो नेक्स्ट वीक से आप समझ रहे हो आपको देखने के लिए मिलेंगे, उनकी प्राइजेज़ यार बढ़ जाएंगी ऑटोमेटिक। जो फ़ोन्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है उनकी बढ़ जाएंगी, ठीक है। आपके हाथ में जो अवेलेबल है, जैसे ये फ़ोन हाथ में मेरे, इसकी भी प्राइस बढ़ जानी है मेरे हाथ में रखे रखे, तो ये सीन चल रहा है। इसके अलावा एक और भंड ये चल रहा है कि TSMC जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो भी ये कह रही है कि अभी कंप्यूटर्स और फ़ोन्स के प्राइसेस और बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब सिर्फ प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इसके डाउन साइड पर नहीं आने वाले। तो अगर आपको कोई फ़ोन वगैरह, कंप्यूटर वगैरह ख़रीदना है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर कंप्यूटर ख़रीदना है तो इसी मंथ के अंदर ख़रीद लो, क्योंकि उसकी भी प्राइसेस अप जाएंगी। और अगर फ़ोन ख़रीदना है तो मेरे भाई बहुत सही मौका है, मेरे ख्याल से जाके ले लो, वरना तो प्राइसेस अप होनी है, प्राइसेस डाउन नहीं होनी। तो दैट्स इट, ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जो मेरे ख्याल से आपके साथ शेयर करना बनता था। वैसे अगर आप में से किसी जानने वाले ने या मेरे किसी व्यूअर ने स्टारलिंक को बुक करवाया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मतलब स्टारलिंक पैसे यार इन्वेस्ट करने वाली कंपनी है एलॉन मस्क की, और इमरान खान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी चाहते हैं कि टेस्ला और एलॉन मस्क पाकिस्तान के अंदर आए। इनकी भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन चल रही थी, न्यूज़ निकल के सामने आ रही थी। तो इसके चलते मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि स्टारलिंक के साथ ऐसा होगा कि पाकिस्तान के अंदर उसको अलाउंस नहीं मिलेगी कि भाई आप काम नहीं करो। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी, स्टारलिंक को लाइसेंस ख़रीदना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए, और वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर आपने प्री बुकिंग करवाया हुआ है तो उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है। दैट्स इट। अगर आपको टेक्नोलॉजी की न्यूज़ और फोन्स वगैरह के बारे में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें मिलते रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ योर बॉय तलक पाल साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।